सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ केटोकेयर लोशन के बारे में, जिसका कंटेंट है केटाकोनाजोल। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि केटाकोनाजोल शैम्पू के ऊपर मेरी एक वीडियो है काफ़ी समय पहले बनाई हुई, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बात की है केटाकोनाजोल शैम्पू के बारे में, जो एक प्रकार का एंटी फंगल एजेंट है। जो एंटी फंगल यानी कि जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है, वो चाहे रूसी के रूप में हो या फिर स्किन इन्फेक्शन हो, इस पर कई प्रकार से जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो उसके अंदर ये केटाकोनाजोल काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि डॉक्टर इस पर ट्रस्ट करते हैं और काफ़ी प्रिस्क्राइब भी करते हैं इसको। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ये केटोकेयर करके जो लोशन, जो कंपनी की बात करते हैं यूरोकेयर कंपनी की ओर से बनाया जाता है। जो 2% इसका जो मात्रा है वो 2% वेट बाई वॉल्यूम इसका लोशन के अंदर जो मात्रा होती है, वो क्रीम हो या फिर शैम्पू हो, सबके अंदर जो कंटेंट होता है केटाकोनाजोल होता है, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही होता है। अलग अलग ग्रुप में भी आता है केटाकोनाजोल, इसके अलावा जो भी दूसरे भी जैसे कि क्लोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, बहुत सी इसके ग्रुप में जो एंटी फंगल ड्रग आती है, लेकिन केटाकोनाजोल जो एक प्रकार का जो ये कंटेंट है ड्रग्स है, ये जो एक प्रकार की फंगल जो इन्फेक्शन इसके अंदर काफ़ी इफेक्टिव है। और ये दोस्तों जिसकी MRP की अगर बात करें तो 90 रुपये लिखी है, लेकिन आपको 50 रुपये के आसपास मिल जाएगी बाज़ार से, क्योंकि जेनरिक मेडिकल स्टोर पर आपको काफ़ी सस्ती दवाइयाँ मिलती है। तो दोस्तों, इसको कैसे लगाना है यानी कि कहाँ पर लगाना है, तो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन में हमने देखा है कि एक प्रकार की जो सफ़ेद परख जो बन जाती है गोल राउंड की तरफ, जिसके अंदर काफ़ी इचिंग होता है, काफ़ी आपको यहाँ पर इचिंग सा करना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं इचिंग करने के लिए, सी मतलब काफ़ी परेशान रहते हैं फंगल इन्फेक्शन के अंदर। वो कई जगह पर हो सकता है, चाहे गले में हो या फिर बालों में रूसी के रूप में हो या फिर कान के नीचे, अलग अलग जगह पर हो सकता है, दोनों पैरों के बीच में भी फंगल इन्फेक्शन काफ़ी होता है, कुछ इंटरनल पार्ट्स या फिर प्राइवेट पार्ट्स में भी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। तो इनसे बचने के लिए केटाकोनाजोल लोशन लगाना पड़ता है। दोस्तों, क्रीम में क्या डिफरेंस है, तो इसके अंदर बात करें तो दोस्तों क्रीम जो छोटी जगह पर अगर मतलब सामान्य हुआ है आपको, तो वहाँ पर आप क्रीम लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा जगह पर हो तो ये लोशन लगाने से क्या स्प्रेड होता है, एक प्रकार से परख बन जाती है और तुरंत ही एब्जॉर्ब होता है तो इफेक्ट करता है, तो लोशन ये ठीक रहता है ऐसी कंडीशन में। तो इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, खास ध्यान रखने की बात अगर बात करें तो दोस्तों ये एक्सटर्नल यूज़ ओनली, यानी कि आँखों में, नाक में, मुंह में न जाए, इसका खास ध्यान रखना है। साथ में एक दूसरी भी बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ये केटाकोनाजोल शैम्पू एक प्रिस्क्राइब ड्रग है, यानी कि अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद यूज़ करना है। और दूसरी बात, अगर आपको एंटी फंगल जो ड्रग आती है केटाकोनाजोल या फिर माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, इस प्रकार की दवाई का अगर एलर्जिक आपको रिएक्शन आता है उसके अंदर, तो ये चालू करने से पहले डॉक्टर से बात जरूर कर ले कि इसका मतलब इस प्रकार की दवाइयाँ जो एंटी फंगल होती है उसके अंदर आपको रिएक्शन आता है, तो दूसरा जो अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होगा वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर सलाह देंगे। तो कुछ ध्यान रखना है कि बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स क्या हो सकती है दोस्तों, तो ज़्यादातर देखें तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ रेडनेस जैसा या फिर इरीटेशन जैसा हो सकता है, जहाँ पर आप लगाते हैं उस पर, वहाँ पर कुछ स्वेलिंग भी किसी को आ सकता है उस जगह पर, इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगी, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स है। इस प्रकार से ये बोतल आती है 25 ml में, काफ़ी अच्छी है, बाज़ार में आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, ये ना मिले तो कोई भी केटाकोनाजोल 2% वेट पर वैल्यू आपको बाज़ार से मिल सकती है, बहुत सी कंपनियां बनाती है, लेकिन इसकी प्राइस भी इसी के आसपास 100 रुपये के अंदर आपको मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको केटाकोनाजोल शैम्पू लोशन के बारे में पूरी जानकारी दी है। शैम्पू के बारे में दोस्तों मेरी वीडियो जो अलग से है मैंने बताया पहले, उसके अंदर आप देखेंगे तो पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया है, केटाकोनाजोल के बारे में पूरा डिटेल में, वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार ताकि आपको पता चले। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।